नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नए मामले और सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे की बात करते हैं तो कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और वहीं कोरोना वायरस से 138 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे प्रचंड होती जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मरीज मिले हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 80 मरीजों की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। बढ़े हुए किराए की जानकारी देने के साथ ही रेलवे ने कहा कि पहले से ही यात्री की हर यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। इसी बीच हैदराबाद से सांसद ओवैसी चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आए हैं। कोलकाता में रैली करने वाले थे लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें परमिशन नहीं दी, जिसके बाद रैली को रद्द कर दिया गया। भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में जानकारी दी। पंजाब के जलंधर में विजिलेंस ब्यूरो ने शराब तस्करी में पकड़ी गई कार की रिपोर्ट देने में 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए कैंट के थाने के ASI प्रमोद कुमार और हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ लिया। पंजाब में असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने शक के चलते पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी है और बाद में शव को जला दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हरियाणा के यमुनानगर में शख्स ने पत्नी और साली पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद आरोपी ने खुद को भी आग के हवाले कर दिया। परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के करनाल की पटाखा फैक्ट्री में देर शाम जोरदार धमाका हो गया, जिसमें फैक्ट्री में पटाखा बना रहे 4 मजदूरों में से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में मेरठ के शास्त्री नगर में शिक्षिका की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पति ने पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर रात में डॉक्टर की मदद से पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। कानपुर देहात में रिटायर्ड बैंक कैशियर ने घरेलू विवाद में कहासुनी के बाद तमंचे से गोली मारकर पत्नी की हत्या कर दी है। दरअसल कहासुनी होने पर बेटा हस्तक्षेप करने के लिए पहुंचा था, तभी पिता ने गोली चला दी। बेटे के सामने मां आ गई और मां को गोली लग गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चोरों ने एक व्यापारी की दुकान का ताला तोड़कर 6,00,000 रुपये पार कर दिए हैं और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांचबीन कर रही है। पंजाब में एक शख्स का शव कार में मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने मृतक के दोस्त और परिजनों के बयान पर जांच शुरू की। पंजाब में पारिवारिक झगड़े के में महिला ने अपने बेटे और कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के साथ अपने ससुर और ननद पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में ससुर की मौत हो गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व GM समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए का मुआवजा हड़पने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में मोबाइल फोन झपटमारी के आरोप में पुलिस ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान आस मोहम्मद और काजल के रूप में हुई। बिहार में बर्थडे पार्टी के दौरान बाल बालाओं के साथ युवकों का हुजूम ठुपके लगा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में चित्रकूट में अवैध संबंधों के शक में 6 साल की बेटी के सामने पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी है। पुलिस को फोन से जानकारी देकर कुल्हाड़ी के साथ भाग निकला आरोपी। रात में 5 घंटे की तलाश करने के बाद हत्यारोपी पति को दूसरे गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। और वहीं कानपुर देहात में एक पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी फौजी हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा लेकर खुद ही सरेंडर करने के लिए थाने पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शातिर बदमाश मुख्यमंत्री का OSD बनकर यूपी समेत दूसरे प्रदेश के DM SP को राम मंदिर के नाम पर 2,00,000 रुपए की सहयोग राशि की वसूली कर चुका है। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। सोनम कपूर ने सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में सवाल किया। सोनम ने लिखा, क्या कोई मुझे समझा सकता है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट भारत में कैसे उनको वैक्सीन लग सकती है। इस ट्वीट को लेकर सोनम कपूर को काफी ट्रोल किया गया है। फिल्म चेहरे को 30 अप्रैल को रिलीज होना है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि चेहरे के पोस्टर से रिया चक्रवर्ती का ही चेहरा गायब कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की कयास लगाई जा रही है। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्रियों में से एक एक्ट्रेस मौनी रॉय अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं। हाल ही में मौनी ने कुछ तस्वीर शेयर की हैं जिसमें वो ताजमहल के सामने खड़ी हुई नजर आ रही हैं। बिग बॉस सीजन 14 में अपने कमाल के गेम से सभी को इम्प्रेस करने वाली राखी सावंत ने अब सलमान खान के नाम एक स्पेशल मैसेज लिखा है। राखी ने सलमान संग कुछ फोटो भी शेयर की।
और वहीं कतर में प्रवासी मजदूरों के हक में 6 महीने पहले जिन अहम सुधारों की घोषणा की गई थी उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। कतर की शूरा काउंसिल ने जो नई सिफारिशें की हैं अगर उन्हें मान लिया गया तो कतर के प्रवासी मजदूरों को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया के साथ। नमस्कार।